नाज़रीन, जैसे कि आज के प्रोग्राम में हम खराज तहसीन पेश कर रहे हैं मास्टर इनायत हुसैन को, नाज़रीन बात करते हैं, उन्होंने 1962 में पंजाबी फिल्म में काफ़ी काम किया, मतलब ना सिर्फ एज अ आर्टिस्ट बल्कि प्लेबैक सिंगर भी उन्होंने काम किया। और नाज़रीन एक फिल्म है जिसका नाम है चंद मेरे मखना, जो कि 1968 में रिलीज़ हुई थी, और इस फिल्म ने नाज़रीन डायमंड जुबली मनाई थी। इसके गीत बेहद मकबूल हुए थे, लेकिन ये जो गीत है चंद मेरे मखना, जो कि अदाकारा रानी पर पिक्चराइज हुआ था, उस वक्त बहुत मकबूल हुआ। तो आइए चलकर जरा हम अदील से बात करते हैं और इस सॉन्ग के वाले से मजीद उनसे बात करते हैं। जी जी, चंद मेरे मखना। चंद मेरे मखना, वाकई चंद मेरे मखना एक ऐसी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है जिसे जितनी दफा भी रीमिक्स किया या उसका फ्यूजन किया, बहुत तो, पसंद किया लोगों तो वो एक नए रूप में खिल के सामने आया। और गाना भी अच्छा, गाना हीरोइन के लिए गा रहा है। अब मैं समझी कि आपने ये कुर्ता क्यों सिलवाया है। हाँ जी, शुक्र है आप सभी के। हमारी जो पंजाबी फिल्मों की हीरोइनें थी वो बेचारी डांस करते करते थक जाती थी, लेकिन हमारे हीरो की अकड़ ही ना खत्म, वो ऐसे मूछे ये वो बाल अकड़ में, ये क्यों होता था वैसे, मेरा क्वेश्चन। हाँ, अक्सर आप देखिए कि काली नेट वाली शर्ट पहनकर पुरानी हीरोइनें जो हैं बालों को ऐसे जुल्फ द कुंडल खुले ना करके तो ऐसे वो आती थी, लेकिन मजाल है, हीरो यूं खड़ा हो जाता था तैयार होके और वो कभी इधर आ रही है कभी इधर आ रही है। मेरे ख्याल से हमें नाज़रीन को गाना सुना देना चाहिए। ओके ओके, चंद मेरे मखना। ओके, ये खूबसूरत गाना आप लोगों की नजर। कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, कोई दिलदार नहीं ते कुछ नहीं, दिल नो साम साम के रखना चन मेरे मखना।